छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 1 दिसंबर को क्रिकेट का मैच होने वाला है, जिसको लेकर खेल प्रेमी इंडोर स्टेडियम में टिकट लेने पहुंचे हुए हैं, लेकिन काउंटर में उचित व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को ऑनलाइन टिकट भी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। व्यवस्था को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी भी है। 1 दिसंबर को राजधानी रायपुर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज का एक मैच होना है और मैच को लेकर टिकट की किस तरीके से मारामारी है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम की तस्वीरें हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने टिकट बुक कर ली है। अब ये केवल टिकट लेने आए हैं। यहाँ पर प्रिंट टिकट लेने की वो कतार जो है वो कितनी लंबी है, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मारामारी का माहौल है और लोग जो है किस तरीके से परेशान है। लोग जो है अपनी KYC लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी लंबे समय से इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे समझ आप लोग कहाँ से आए हैं और कितनी देर से? हमने यही रायपुर से 9 बजे से। टिकट आप लोग पहले बुक कर चुके? हाँ, ऑनलाइन बुक कर चुके, तब भी इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 11 बजे काउंटर खुला है, जिसकी वजह से सबको समस्या हो रही है। जबको पता है टिकट सिर्फ 4 ही काउंटर है, सुबह से उनको काउंटर खोल देना चाहिए था। आप देखिए सुबह से पब्लिक लाइन में लगी, कितनी लोग सुबह 6-6 बजे से आए हैं, कितनी समस्या हो रही है उनको। और उसके अलावा पानी की कोई व्यवस्था नहीं, लाइन छोड़ के जाए पानी लेने तो यहाँ की लाइन चली जाए, कितनी तकलीफें हो रही है यहाँ पे। और जो है कुछ परेशानियां यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 काउंटर बनाए हैं और ये 4 काउंटर में जो एक लड़कियों के लिए अलग लाइन बनाई गई है और लड़कों के लिए अलग लाइन बनाई गई है। आप लोग कब से लाइन में खड़े हैं और खड़े हैं? सुबह 9 बजे से लाइन में खड़े हैं। कोई मतलब नहीं रहा लाइन में रखने का, कोई व्यवस्था ठीक नहीं। ऑनलाइन टिकट बटा रहे हैं और यहाँ आना पड़ रहा है, तो क्या मतलब ऑनलाइन का? क्या डिजिटलाइजेशन चल रहा है इंडिया में, ये सब के कोई मतलब हुआ? आप लोग कब से लाइन में लगे? 2.5 घंटा हो गया है। क्या लग रहा है अभी टिकट मिलने में कितना समय? और 2.5 घंटा लगेगा, लग तो रहा है। ये एक तरफ क्रिकेट की दीवानगी कही जा सकती है कि लोग जो है मैच देखने के लिए इतने उत्सुक हैं कि टिकट उन्होंने ऑनलाइन बुक कर ली है, लेकिन अब उन्हें फिजिकल उपलब्ध होकर वो टिकट यहां पर लेनी पड़ेगी। बावजूद इसके टिकट पर QR कोड भी दिया गया है, लेकिन उससे भी काम बनने वाला नहीं है। लोग सुबह से लाइनों में लगे हैं। पूरा परिसर एक बार मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। चारों तरफ आपको जो है टिकट लेने वालों की जो संख्या है वो देख सकते हैं और दूर तक देख सकते हैं कि लाइन जो है यहां पर लगी हुई है। और भी कुछ लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? भैया मेरा आज 3रा दिन है, मैं 2 दिन मैं बैंक में काम करता हूं, अभी मैं ऑफिस छोड़ के आया हूं, आज 3रा दिन है। 2-2 घंटा रहने के बाद जो है मैं आज फिर से आया हूं, लेकिन ऐसा स्थिति देख के लग नहीं रहा है कि ये टिकट आज भी मिलना संभव होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि वो 2 से 3 दिनों से परेशान है, बावजूद उनको अभी तक टिकट नहीं मिली है और ये कतार बताती है कि यहाँ किस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।